हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है CSIR की तरफ से, CASE सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छी ऑफिशियल पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी इसको लेकर सीरियस हो, इंटरेस्टेड हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना फ्रेंड्स। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू कि CSIR की तरफ से CASE सेक्शन ऑफिसर SO एंड ASO की रिक्रूटमेंट आई है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि CSIR होता क्या है। तो CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके थ्रू CASE मतलब कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू आपका सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि दोनों पे कितना कितना पोस्ट आया है। सेक्शन ऑफिसर के लिए आपके यहाँ 76 सीट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 368 पोस्ट के ऊपर आपकी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। टोटल ओवरऑल पोस्ट देखें 444 सीट्स, मतलब बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 444 सीट के लिए आपकी वैकेंसी निकल कर आउट हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे आपके फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो आपका ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है 8 दिसंबर से और लास्ट डेट आपका क्या है, 12 जनवरी 2024। मतलब 12 जनवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये नहीं सोचो आप कि बाद में अप्लाई करेंगे, आराम से अप्लाई करेंगे। अगर आपको करना है तो अभी से आप कर लो, ताकि बाद में सर्वर इशू वगैरह की वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियली एग्ज़ाम की डेट भी बताई गई है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, फरवरी 2024, मतलब कि आपके पास सिर्फ 2 से 2.5 महीने का समय है, जिसमें आप एक अच्छी तैयारी करोगे तो आपको एक सीट अचीव हो सकती है। क्योंकि सारे बच्चे पहले से ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो ओवरऑल एग्ज़ाम के पैटर्न में आपका सब सेम ही रहता है। चलिए देख लेते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको फ़ी क्या लगने वाली है। तो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 500 रुपीज़, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल कैटेगरी फीमेल्स यहाँ पर 0 रुपीज़ आपकी फॉर्म की फ़ी रहने वाली है। अब बात करें कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एज कब से कब तक आपका कब से कैलकुलेट होगा। सो योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 12 जनवरी 2024, मतलब 12 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 33 इयर्स आपकी एज की रिक्वायरमेंट रखी गई है। जैसा कि आप मैक्सिमम एज देख रहे हो 33 इयर्स है, बट रिलैक्सेशन भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ओबीसी को 3 इयर्स का मिलता है, SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। अदर जो कैंडिडेट्स हैं, अदर कैटेगरी के जिनको मिलता है, उनका सबका रिलैक्सेशन का एक लिस्ट होता है, तो वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ज़्यादा डिमांडेबल नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, डजेंट मैटर आर्ट्स साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपका परसेंटेज क्या है, आप ग्रेजुएट हो, सिंपली आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन आपका होता है ना, वो आपका फर्स्ट स्टेज रिटेन एग्जाम के तौर पे होगा, 500 मार्क्स का है। लेकिन आपको दो और प्रोसेस है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का। तो ये जो दोनों चीज आपका होगा ना, जिसमें आप देख सकते हो SO एंड ASO दोनों ही का जनरल F&A एंड SNP तीन तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वो आप एक बार अच्छा से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना, उसके बाद ही। बाकी पोस्ट के लिए सिर्फ एग्जाम होगा 500 मार्क्स का, देन आपको इन तीनों के लिए इंटरव्यू 100 मार्क्स का प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का। मतलब कि उसमें देखा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है कि नहीं, कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, टाइपिंग की आपकी स्किल क्या है, सारा कुछ इसमें आपका टेस्ट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग जो फर्स्ट स्टेज है रिटेन एग्जाम का, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। आपका जो रिटेन एग्जाम होगा ना फ्रेंड्स, वो आपका तीन पेपर में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3।
तो चलिए सबसे पहले आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ पेपर वन का क्या एग्जाम पैटर्न है। पेपर वन में 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स, निगेटिव मार्किंग भी है फ्रेंड 0.33 की। तो इसमें अगर देखें पेपर वन में तो आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज का ओवरऑल 150 क्वेश्चंस है, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए। सो ये तो पेपर वन हुआ, फिर क्या होगा पेपर टू होगा। तो पेपर टू में आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स एंड आपको 30 मिनट, मतलब ढाई घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के। इसमें निगेटिव मार्किंग आपका 0.33 रहने वाला है। फिर आपका पेपर थ्री जो होता है ना, उसमें आपको क्या होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो उसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें एसे, प्रेसाइज एंड लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग की आपकी टेस्ट होगी 150 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स। सो आई होप कि ओवरऑल एग्जाम की पैटर्न आप समझ गए होंगे। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इंटरव्यू होता है 100 मार्क्स के लिए, देन आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब रही बात कि एग्जाम की सेंटर कहाँ रहने वाले, तो एग्जाम की जो सेंटर है ना ऑल ओवर इंडिया में दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख सकते हो कि आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पे और आप कहाँ पे, आप जिस जगह पे रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग नियर बाई सिटी आप चूज कर सकते हो। और अगर आपका यह है ना कि जॉब की पोस्टिंग कहाँ रहेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ऑल इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्व करना पड़ सकता है। तो जब सर्व करने की बात आई है तो आप सोचोगे कि सर्व तो करूंगा बट सैलरी क्या मिलेगी, तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ दोनों ही पोस्ट के लिए बताऊंगी। फर्स्ट आपको बता दूं सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, लेवल 8 की सैलरी मिलती है। तो आपका स्टार्टिंग सैलरी होता है 47,600 रुपीज पर मंथ का एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी 1,51,100 रुपीज, मतलब 1.5 लाख से भी ज्यादा सैलरी आपको मिलती है आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस। तो समझ रहे हो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऑफिशियल पोस्ट है, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो आप अपना मतलब इससे मोटिवेशन लो, तैयारी अच्छी करो और सीट अचीव करो। सेकेंड पोस्ट जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 का इनको सैलरी मिलता है, स्टार्टिंग में मिलती है 44,900 रुपीज एंड आफ्टर द पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी पर मंथ की हो जाएगी 1,42,400, मतलब इसमें भी आपको 1.5 लाख के अप्रोक्सी सैलरी मिल रही है। तो दोनों में से कोई भी अगर पोस्ट पे आपकी जॉब होती है ना तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना ट्राई करो, अच्छे से तैयारी करो, प्रीवियस ईयर के सेट लगाओ, आपकी कैसा क्वेश्चन पेपर था, फिर मॉडल पेपर बनाओ। उससे क्या होगा ना कि आप तैयारी तो कर रहे हो, जनरली जनरल कंपटीशन का हर बच्चा तैयारी करता है, तो आप अगर प्रॉपर इसमें आप कहाँ पे चूक रहे हो वो चीज आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर से एंड मॉडल पेपर से। सो आई होप कि मैंने आज आपको जो कुछ भी बताया आप क्लियरली समझ गए होंगे। और रही बात कि इस जॉब का नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, तो मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप डाउनलोड करो और थॉरो आउट एक बार खुद से रीड करो। आई नो कि मैंने आपको सारा कुछ बताया, फिर भी एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना नोटिफिकेशन को। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, सबका लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी इससे आपको समझने में हेल्प हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।